नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राय 24। कोरोना वायरस का असर अब बाजारों में देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग अफवाहों में फंसकर जरूरत से भी ज्यादा खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। इन सब चीजों से जमाखोरी और कालाबाजारी के भी बढ़ने की आशंका है। बहरोड के एक थोक व्यापारी ने बताया कि इन दिनों सामान की खपत और दिनों से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हमने बहरोड SDM संतोष कुमार मीणा से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी हरगिज नहीं होने देंगे, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ राजस्थान सरकार अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। SDM संतोष कुमार मीणा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वो आवश्यकता से ज्यादा खरीदारी न करें। वहीं व्यापार मंडल के मुकेश अग्रवाल ने कहा कि हमें सरकार और प्रशासन का साथ देना चाहिए, बाजार में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। देखो, जमाखोरी और इन लिए कालाबाजारी के लिए राजस्थान सरकार ने अधिनियम की पालना सुनिश्चित कराई है और नोटिफाइड है किस किस पे ये लागू है। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बाहर निकल रहा है तो आप क्या इतना सहयोग नहीं करोगे देश के लिए कि अपने देशवासियों को बचाने के लिए? तो आपका मन से ये हो, जैसे कल लोगों ने मन से जनता कर्फ्यू को साथ दिया, वैसा ही हम चाहते हैं कि 31 तक जो लॉकडाउन है इसको मन से साथ दे। अदरवाइज हम समझाए इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे, हमें सख्ती करनी पड़ेगी और फिर वो कोई भी हो अगर नियम के खिलाफ जाएगा तो उसका वो परिणाम होने को तैयार है। सर, क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देंगे इन दिनों के अंदर, खास तौर से कि वो ज़्यादा सामान की परचेजिंग न करें, क्योंकि जिस व्यक्ति को 100 रुपये का सामान चाहिए वो हज़ार रुपये का सामान लेके जा रहा है। बिल्कुल, ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता यही कहती है कि जितना आपको ज़रूरत है उतना ही ले और मार्केट में सामान की कोई कमी नहीं है। सरकार ने आश्वस्त किया हुआ है हर एक व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएँ हमेशा मिलेगी, तो इसलिए स्टॉक ना करें जिससे वो खुद भी सामान की कमी ना और दूसरों के लिए भी वो मुसीबत ना बने। लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल बना हुआ है, लोग अपनी कैपेसिटी से 5 से 6 गुना माल खरीद रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम व्यापारियों के पास संपूर्ण स्टॉक है, हम 1 महीने तक माल की कमी नहीं होने देंगे, हमारे मार्केट में इतना स्टॉक है। तो मेरी सभी से अनुरोध है कि भाई प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए और अनावश्यक स्टोर ना करें। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राय 24। नमस्कार।